गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा सिंह फ्रॉम SBN इंटर कॉलेज। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक जंतु जगत। इसके पहले का आपका जो चैप्टर आपका है जीवों में विविधता, इसके अंतर्गत आपको पादप जगत हम पढ़ा चुके थे। उसके आगे जो आपका जंतु जगत बचा था उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे कि चैप्टर का आपका नाम है जीवों में विविधता, जिसे हम बोलते हैं जैव विविधता। कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि किसी विशेष स्थान पर या फिर प्रकृति में आप देखते होंगे कि एक जगह पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है आपस में अंतर पाए जाते हैं, चाहे वो रंग को लेकर हो, स्वभाव को लेकर हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर अगर उनमें पाया जा रहा है तो वही अंतर कहलाता है विभिन्नता। और जब एक जगह पे ऐसी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं बहुत सारे जीवों में, तो इसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता। मीन्स जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएँ कहलाती हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। इसके अंतर्गत आपको पढ़ा चुके थे हम, जहां आपका अगला टॉपिक आएगा जंतु जगत का। ठीक, अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे अरस्तू, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता दोनों अरस्तू जी थे। उन्होंने क्या किया था, जंतु जगत का वर्गीकरण किया था। आपको हमने जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ाया था कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है, कैसे जो हमारी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पौधों को बांटने का जो मेथड था वो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब जंतुओं को कैसे बांटा गया वो आपको बताना है। तो अरस्तू जी ने जो है जंतु जगत यानी जंतुओं का वर्गीकरण किया था, जो आपको यहाँ बोर्ड पे आपको एक रेखा चित्र दिख रहा होगा, समझाते हैं, सुनिए। जंतु जगत को उन्होंने पहले दो उपजगतों में बांटा। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जंतु यहाँ हम केवल जानवरों की बात कर रहे हैं, इसमें आपके पेड़ पौधे नहीं आएंगे, तो जितने भी जंतु पाए जाएंगे उनको उन्होंने पहले दो उपजगतों में बांटा। पहला उपजगत रखा था प्रोटोजोआ नाम दिया था जिसे, सेकेंड जो था उसे नाम दिया है मेटाजोआ, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के अंतर्गत उन्होंने ऐसे जीवों को रखा था जो एक कोशिकीय थे। ठीक, उसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि उन्होंने उपजगत में जो पहला उपजगत बनाया था प्रोटोजोआ, उसमें किस प्रकार के जीवों को रखा था। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको जो नाम दिया था प्रोटोजोआ, या फिर इसके अंतर्गत जो जीवों को रखा गया था वो किसने रखा था। तो इस उपजगत की जो कह सकते हो खोज थी, या फिर सबसे पहले इस जगत के बारे में अध्ययन जिसने किया था, वो एक वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, 1677 में इस उपजगत का अध्ययन किया था। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे गोल्डफस, जिन्होंने 1817 में क्या किया था, इस उपजगत को एक नाम दिया था प्रोटोजोआ, जो आज भी हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, इस शब्द का प्रयोग किया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने, कब, 1817 में। अब उन्होंने प्रोटोजोआ नाम ही क्यों दिया इसको, तो उसका रीज़न था, जब प्रोटोजोआ के आप शब्दों को देखेंगे तो आपको दो शब्द मिलेंगे, एक था प्रोटस और दूसरा था जून, जिसका हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो प्रोटस का मतलब होता है आदिम या फिर प्रथम, और जून का मतलब होता है जंतु, यानी कि वे जंतु जो सबसे पहले, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो जो जंतु सबसे पहले निर्मित हुए थे वो थे आपके प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत आने वाले जंतु। ठीक, तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट संघ निर्मित हुआ था वो कहलाया था प्रोटोजोआ, और इसके अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा गया था जिनका शरीर एक कोशिकीय था, यानी कि जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक कोशिका की बनी हुई थी। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके एक कोशिकीय प्राणी।
अच्छा यहाँ पे आप जितने भी संघ पढ़ेंगे, ठीक, जितने भी संघ पढ़ेंगे, जैसे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आगे अभी वर्ग आएंगे, हर एक वर्ग या फिर हर एक संघ की एक क्वालिटी होती है, ठीक, सबकी कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ हम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, तो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो मुख्य विशेषता होगी वो होगी कि उनका शरीर जो होगा वो एक कोशिका का बना हुआ होगा। ऐसे ही जब आगे हम पढ़ेंगे तो प्रत्येक संघ की एक कोई मुख्य विशेषता होगी जिसे आपको याद रखना है, जिससे कि इस संघ की पहचान होगी। जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जंतु रखे गए हैं वो सब एक कोशिकीय होंगे, सबके सब एक कोशिकीय होंगे। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनके शरीर में या उनमें और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो आपके एग्जाम्पल आएंगे उनमें आपका सबसे नॉर्मल, आपने नाम सुना होगा, पहला आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, युग्लीना हो गया, जीवाणु हो गए, ये सब आपके जो है एक कोशिका के बने हुए जीव होते हैं। तो इनको रखा गया है किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। अब इसके अलावा इनमें कुछ और जो है वो विशेषताएं पाई जाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे हम आपको एक फिगर बना के दिखा रहे हैं अमीबा का, सबसे आपका सिंपल जो डायग्राम बनेगा वो अमीबा का ही बन जाएगा। अमीबा की कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, तो आप इसको किस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अमीबा की कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, तो आप इसकी आकृति कैसी भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा यहाँ ऐसी बनाई है, आप चाहें तो जैसी बना लें। दूसरा क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं वो नमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं। जहाँ पे नमी होगी, गीलापन होगा, वहाँ पे ये जीव जो है वो उपस्थित होते हैं और पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, जहाँ कीचड़ होगा वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। सुकेंद्रकीय होंगे, इनमें जो केंद्रक होगा वो पूरी तरह से विकसित होगा, ये हो गया इसका केंद्रक। इसके चारों तरफ, केवल अमीबा की बात नहीं कर रहे हैं, अमीबा के अलावा भी जो जंतु होंगे उनके शरीर के बाहर की तरफ एक पतली महीन लेयर पाई जाती है या फिर परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक। जो इसके बाहर एक महीन परत पाई जाएगी वो कहलाएगी पेलिकल। उसके अलावा क्या होगा, इनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, संकुचनशील जो है रिक्तिका पाई जाती है, ये हो जाएगी रिक्तिका। जिसे बोलते हो वैक्यूल, इसके शरीर में जो है ये पोषण प्रदान करने में सहायता करेगी, और भी जितने काम होंगे पाचन से रिलेटेड वो सब ये काम करने में हेल्प करेगी। खाद्य रिक्तिकाएं होंगी जो क्या करेंगी, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने में सहायता करेंगी, ये हो जाएंगी खाद्य रिक्तिकाएं। खाद्य रिक्तिका। उसके अलावा कई सारी खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य भरा होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी जीवित कोशिका है तो कोशिका द्रव्य इसके अंदर होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। उसके अलावा क्या होगा इनमें, ये इतनी चीज़ें जो है मेन आपकी हमने बना दी हैं, ये मुख्य होती हैं जो इसकी क्रियाएं करने में सहायता करेंगी। सबसे मुख्य इसमें रिक्तिका हो जाएगी। तो इनमें क्या होगा कि जो श्वसन की क्रिया कह लो या पाचन की क्रिया, वो इसकी बाहरी सतह के द्वारा होगी, जो इसकी बाहरी लेयर होती है इनके द्वारा इनमें ये क्रियाएं पूर्ण होती हैं, संपन्न होती हैं। उसके अलावा क्या होगा इनमें, ये जो है एकल पाए जाते हैं। एकल का मतलब होता है कि ग्रुप में नहीं होंगे, एक साथ छः सात आठ नहीं होंगे, सिंगल पाए जाते हैं। जैसे एक अमीबा यहाँ पे है तो एक कहीं और होगा,
ग्रुप में या झुंड में नहीं पाए जाएंगे, सबसे पहचान ये भी एक इनकी खास होगी। उसके अलावा क्या होगा इनमें कि इनमें जो है बाहरी सतह के द्वारा जो है श्वसन की क्रिया होती है, इसकी जो बाहरी लेयर होगी उसके द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। उसके अलावा क्या होगा, जो पोषण होगा इनमें, जो पोषण का प्रकार होगा वो प्राणिसम होगा, यानी कि होलोजोइक जिसको बोलते हैं प्राणियों के समान, ये बाहर से अपने आहार को ग्रहण करेंगे। जैसे क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे कोई फूड आता है इनके पास, यहाँ पे कोई भोजन आया, तो ये क्या करेंगे कि अपने शरीर की आकृति को, अभी आपको बताया था कि जो है अमीबा की आकृति फिक्स नहीं होती है, वो अपने आकार को बदल सकता है, तो क्या करेगा वो इस भोजन के चारों तरफ हाथ का निर्माण करना शुरू करता है, हाथ जैसी संरचना बनाना शुरू करेगा, जो धीरे धीरे क्या करता है कुछ इस तरह से चारों तरफ से भोजन को ढकने की कोशिश करेगा, बढ़ाता जाएगा और एक समय आएगा कि ये इसके चारों तरफ उससे उसको ढक लेगा और ये भोजन जो है इसके भीतर आ जाएगा। जो यहाँ आप खाद्य रिक्तिकाएं देख रही हो, ये भोजन जब इसके अंदर आएगा तो इसके चारों तरफ जो है रिक्तिका निर्मित हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये भोजन को ग्रहण करने का काम करता है। उसके बाद क्या होगा, श्वसन की क्रिया आपको बता चुके हैं कि बाहरी सतह के द्वारा होती है। उसके अलावा अब जब यहाँ पे भोजन आने के बाद इसका पाचन, इन्हीं रिक्तिकाओं के भीतर जो है इनका पाचन भी हो जाता है। इन रिक्तिकाओं में कुछ ऐसे एंजाइम्स भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं इस भोजन को पचा देते हैं, यानी कि इसमें से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लेंगे और जितना भी वेस्ट पदार्थ होगा, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, हानिकारक होगा, यूजफुल नहीं होगा, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। इन्हीं रिक्तिकाओं के माध्यम से कहीं से यहाँ लाएंगे और इस शरीर की सतह के द्वारा उस पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार क्या है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया भी हो जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करें जनन की, तो इनमें जनन जो होता है वो अलैंगिक प्रकार का होगा। जैसे कि आपको हम बता चुके थे कि अलैंगिक जनन होता है एक जीव के द्वारा, जब एक ही जीव के द्वारा उसके समान कई और जीव उत्पन्न हो जाएं, तो वो क्रिया कहलाती है अलैंगिक जनन की क्रिया। तो इसमें अगर अनुकूल परिस्थितियां पाई जा रही हैं, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब है ऐसी परिस्थितियां जिसमें जीव को रहने के लिए, खाने के लिए या फिर जितनी भी जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सब उपलब्ध हो रही हैं, तो वो परिस्थितियाँ कहलाती हैं अनुकूल परिस्थितियाँ। तो ऐसी अगर परिस्थितियाँ इसके पास हैं तो ये क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो उस कंडीशन में ये लैंगिक जनन भी कर सकता है। तो मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है अलैंगिक जनन, ठीक। तो ये कुछ मुख्य आपके बिंदु हो गए हैं प्रोटोजोआ संघ के बारे में, कि इसमें जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा कि नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ कीचड़ होगा, हल्की नमी होगी, उस ऐसे स्थानों पे पाए जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, इनके शरीर, इनका जो शरीर होगा वो एक कोशिका का बना होगा। इनके शरीर के चारों तरफ एक पतली भित्ति या पतली लेयर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। इनमें जो उत्सर्जन, श्वसन या फिर पाचन की क्रियाएं होती हैं वो इनके शरीर में पाई जाने वाली रिक्तिका और बाह्य सतह के द्वारा होती है। जो श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया होगी वो शरीर की बाहरी सतह के द्वारा होती है। जो रिक्तिकाएं इनमें पाई जाती हैं वो भोजन को ग्रहण करने में या फिर उनको पचाने में सहायता करती हैं, ठीक। उसके अलावा इनमें जो है गमन के लिए, यानी कि गति के लिए, देखिए बताते हैं, इनमें गति के लिए क्या होगा, फिर से ऐसे ही बनाए दे रहे हैं, इनमें गति के लिए कूटपाद निर्मित होते हैं। कुछ और आपके जो जंतु होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम में आपने देखा होगा, पैरामीशियम को जो है उसकी संरचना कुछ इस तरह की होगी, चप्पल नुमा। तो उसमें आपने देखे होंगे उसके चारों तरफ इस तरह से, आपकी बुक में डायग्राम मिल जाएगा, आपको देख सकते हो, चारों तरफ छोटी छोटी महीन बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं सीलिया।
यहीं अगर हम युगलीना की बात करते हैं, युगलीना पान के पत्ते की समान इसकी संरचना होती है कुछ इस तरह से। यहाँ से एक लंबी बाल जैसी या तंतु जैसी संरचना निकली रहती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है। जो पैरामीशियम में ब्रोम जैसी संरचनाएं उसके चारों तरफ पाई जाती हैं, यहाँ पे जो सीलिया पाया जा रहा है वो इसके चारों तरफ पाया जा रहा है, यहाँ पे जो फ्लैजिला पाया जा रहा है वो एक है, संख्या में केवल एक होगा। लंबी बाल जैसी संरचना होती है सिंगल, वो कहलाएगा आपका फ्लैजिला। तो फर्क देखो, ये तीनों जो है आपके वो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शरीर आप देख सकते हो सिंगल कोशिका का बना है। यहाँ पे भी एक कोशिका है, यहाँ पर भी एक कोशिका है, यहाँ पर भी एक कोशिका है। जीवाणु बनाएंगे आप, वहाँ पे भी एक कोशिका होगी, ठीक। तो ये सभी एक कोशिका के बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। हम बात कर रहे थे गमन या फिर गति के बारे में, कि इनमें जो गति होती है वो कैसे होती है। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो उसमें उसके चारों तरफ महीन रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, इनके द्वारा ये गति करेगा। अगर बात करें हम युगलीना की, तो युगलीना में जो एक बाल जैसी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है जिसे हम फ्लैजिला बोल रहे हैं, इस फ्लैजिला के द्वारा गति होती है। अगर हम बात करें अमीबा की, अब अमीबा में ना सीलिया है ना फ्लैजिला है, तो अमीबा में क्या बनता है? कूटपाद। अमीबा में क्या बनेगा? कूटपाद। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सीडोपोडिया। कूटपाद का, कूट का मतलब होता है झूठा और पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि ये कुछ समय के लिए, जैसे अभी यहाँ पे इसने हाथ बना लिए थे वैसे ही गति के लिए ये कुछ पैर जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं कूटपाद। जैसे इसे ही हम मान लें कि ये पैर है, इन्हीं के द्वारा ये आगे गति करता हुआ जाएगा, तो ये हो गए इसके कूटपाद। तो कुछ विभिन्न अंग पाए जाते हैं अलग अलग जंतुओं में जिनके द्वारा ये गति करते हैं, ठीक। तो आपका प्रोटोजोआ संघ कंप्लीट हो रहा है। अब कल बात करेंगे हम मेटोजोआ के बारे में कि उसमें कौन कौन से आपके संघ आएंगे, वर्ग आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।